कानाराम सोलंकी जी, एक बात बताइए, हमारे साथ है कानाराम सोलंकी जो हमारे साथ ये दिल्ली के अंदर मुलाकात हो रही है। कानाराम जी, एक बात बताइए, जो देश के अंदर आज की प्राइवेटीकरण होता जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं उसके बारे में ये कह रहा हूँ कि लोग बेरोजगारी बढ़ेगी जी, और जो भी हमारे बंधु लगे हैं SC ST है, OBC है, माइनॉरिटी लोग हैं, वो बेरोजगार हो जाएगा और चंद लोगों को फ़ायदा होगा जैसे पूंजीपतियों को। और ये भी सुनने में आया कि ये सरकार है जो रिलायंस अडानी इनके गोदी में जा बैठी है, तो हमारा सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि निजी हाथों में न करके। और ये भी सुनने में आया कि ये जयपुर जो है एयरपोर्ट है वो भी निजीकरण के हाथ में गया है। और अभी ये भी कैंपेन चला जा रहा है इस तरीके से, भाई दिल्ली का एयरपोर्ट है वो 6,000 एकड़ ज़मीन है, वो भी निजी हाथों में किसी को, तो चंद लोगों को फ़ायदा होगा। रेलवे स्टेशन है वो निजीकरण को दे गया, वो भी हमने, तो काफ़ी लोग बेरोजगारी बढ़ेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ये कदम नहीं उठाए और नौकरियों में जो सरकार 2 करोड़, मैं कहूँ आप 2 करोड़ मत दीजिए, आप 20 लाख दो, लेकिन इसमें एक भी नौकरी नहीं लगेगी और लोग निजी चंद लोग फ़ायदा उठाएंगे।